हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल NTR कोचिंग क्लासेस में। मैं राज मिश्रा आज आपको पढ़ाने वाला हूँ आपका जो मेन टॉपिक है, आप इसे मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लीजिए क्योंकि ये आपके पेपरों में बहुत जल्दी पूछ लिया जाता है, ये 100% आता है। यहाँ पर लिखा हुआ जी का जी में संबंध, ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, आपको याद नहीं करना पड़ेगा, ये बस 2 मिनट का काम, बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। चलिए देखते थे लिखते कैसे हैं, मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। चलिए देखते थे लिखते कैसे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है माना पृथ्वी का द्रव्यमान ME, देख लीजिए ME माना है इसको, तथा त्रिज्या RE है इसके चारों ओर, एक एन याद कि पिंड मान लीजिए द्रव्यमान का उपग्रह चार चक्कर लगा रहा है, तब इन दोनों के बीच लगने वाले बल, यहाँ पर कॉमा लगा लीजिए, कॉमा करके आप लिखते हैं हम लोग, फिर इसके भीतर लगने वाला बल, तब इनके बीच लगने वाला बल, ओके। हम लोग इसे कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं इसे बहुत आसान तरीके से। यहाँ पर हम लोगों ने मान लिया है, चलिए यहाँ पर एक फार्मूला लिखेंगे, मैं यहाँ पर चुप्पी करके डाल लीजिए, एफ बराबर यहाँ पर लिख दीजिए सही से, एफ बराबर GM1, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं उसका साइड बढ़ा लेता हूँ, यहाँ पर लिखा एफ बराबर GM1 M2 अपॉन R2, ये आपका फार्मूला। मैं इसकी वीडियो आपको अगली मतलब कि सेकेंड आपको अपनी वीडियो में आपको इसको बता दूंगा कि आप ये कैसे फार्मूला बना है। चलिए इसे देखते हैं, इसके द्वारा हम कैसे निकाल सकते हैं जी तथा जी में संबंध। पहले नंबर तो मैंने यहाँ पर F लिख लिया है, F बराबर जी, देखिए यहाँ पर क्या था, जी रख लिया, M1 को हम लोग क्या माना था, M1 को हम लोगों ने माना था, यहाँ पर ऊपर देखिए आप, फिर जो मैंने लिखवाई थी परिभाषा उसमें देखिए लिखा हुआ है ME, M1 ME हो गया, ठीक। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग ME, एंड M2 को क्या कर लिखेंगे हम लोग, M2 को सिंपली मतलब कि M लिख देंगे, ओके। देखिए क्योंकि यहाँ पर जो पॉसिबल थी M लिख दिया यहाँ पर M2 को, एंड अपॉन में जो R2 था, हम लोगों ने R2 त्रिज्या को देखिए यहाँ पर माना था, RE माना था हम लोगों ने, तो वैसे ही सेम रख देंगे यहाँ पर, अपॉन में रख देंगे, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है RE अपॉन में रख देंगे यहाँ पर RE, ये वहाँ पर स्क्वायर लिखा था R में, तो भी यहाँ पर भी स्क्वायर लग जाएगा, ओके। एंड F=2 यहाँ पर आएगा GME को क्या करेंगे हम लोग, इधर ले आएंगे, एफ बराबर तो नहीं रह जाएगा, ओके, यहाँ पर लिख लीजिए क्योंकि हम जानते हैं, ओके हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि F बराबर होता है MG के, ओके F बराबर होता है MG के, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, तो हम लोग F की जगह पर MG रख लेंगे, ओके इसे पहला समीकरण मान लीजिए, इसको दूसरा समीकरण मान लीजिए, एंड हम लोग क्या करेंगे अब F की जगह पर MG रख देंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है। हम लोग ये लिख लीजिए, आप हेडिंग बहुत ज़रूरी होती है, MG बराबर F की स्पान में हम लोग MG रख दिया है, MG बराबर GME M अपॉन RE स्क्वायर। हम लोग क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई टाइप मतलब कि इसको इधर भेज देंगे और इसको इधर भेज देंगे, M से M कैंसिल कर देंगे, ओके M से M कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, G बचा इधर, ओके। हम लोग क्या करेंगे अब हम लोग करेंगे GME को इधर ले आएंगे, GME एन जिसे इधर मतलब कि RE और G एक साइड पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा GRE। देखिए हम लोग कितनी जल्दी आराम से प्रूव हो चुका, जो हम लोगों को निकालना था G और G में संबंध कितनी आसानी से आ गया है। धन्यवाद, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर लीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो का लिंक आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद, फिर मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।